Good morning, students. So now let's continue others mode of nutrition in plants. Last video में हमने पढ़ा था photosynthesis का method. हमने पूरा समझा, हमने देखा कि green plants हैं वो अपना food खुद prepare करते हैं. कैसे prepare करते हैं ये हमने देख लिया. Now comes the point. अब कुछ ऐसे plants होते हैं जिसमें chlorophyll नहीं होता है. हमने देखा फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल. वही प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं जिन लीव्स में क्लोरोफिल होता है. अब जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता वो किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर किसी इंसेक्ट पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं. तो अदर्स मोड क्या क्या हैं, लेट्स सी. पहले हम यहाँ पे इनके नेम्स को देख लेते हैं, फिर एक एक करके इनको एक्सप्लेन भी करेंगे. सो द नंबर इज इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स. अब इसके नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसके इंसेक्ट. सो दिस मीन्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं. अब ये कैसे इंसेक्ट को खाते हैं इसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे. सो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो किसी इंसेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. एग्जाम्पल में आता है पिचर प्लांट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिटिक प्लांट्स. अब पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? अब ये प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे इंसेक्टिवोर्स इंसेक्ट को खाते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो फूड बनाएंगे और ये फूड खाएंगे. सो ये किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं. एग्जाम्पल है कसकटा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेप्रोट्रोप्स. अब सेप्रोट्रोप्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट्स हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं. मतलब इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? डेड चीजों से. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फंजाई. आपने देखा होगा जब आप एक ब्रेड का पीस रख देते हो बहुत टाइम तक तो उसमें फंगस आ जाती है. तो वो बेसिकली जो फंगस होती है वो डेड डिकिंग है, तो उसी से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. आगे इसके डिटेल हम समझेंगे. लास्ट हमारे पास है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? इसमें दो प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में है एल्गा एंड फंगस. सो यहाँ पे ये दोनों एक साथ सर्वाइव करते हैं. एल्गा डिपेंड है फंगस पे और फंगस डिपेंडेंट है एल्गा पे. सो मान लो अगर इनमें से कोई भी एक फूड बना सकता है तो वो दूसरे को प्रोवाइड करेगा, दूसरा उसको उसके बदले में कुछ हेल्प करेगा. सो एक रिलेशनशिप होगा दोनों प्लांट्स के बीच में. ओके, सो हमने क्विकली इन चारों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को समझ लिया और अब जल्दी से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे. ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अदर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स. ये वो प्लांट्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स पे. अब ये इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. नाउ एक क्वेश्चन है कि एक प्लांट इंसेक्ट को कैसे खाएगा. सो अब ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो पिक्चर की फॉर्म में होती है. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है. इसमें आप देख सकते हो कि लीफ किस तरह की शेप की होती है. सो इसका जो टॉप पार्ट है वो लिड की तरह काम करता है. लिड क्या करती है? पिक्चर को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करती है. ओके, सो अब इस पिक्चर को अंदर पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं. सो बेसिकली अगर इस तरह की आपके पास लीफ है तो जैसे यहाँ पे आके कोई इंसेक्ट बैठता है तो पिक्चर क्या करता है? उसको ओपन करती है और पिक्चर के अंदर जो हेयर है इंसेक्ट वहाँ पे ट्रैप हो जाता है और फिर उस लिड को क्लोज कर देता है. सो इस तरह से जो इंसेक्ट है वो पिक्चर के अंदर तक पहुँच जाता है. अब जब वो अंदर पहुँच जाता है आफ्टर कैप्चर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है. जैसे ही वो इंसेक्ट को पूरा अंदर ले लेता है वहाँ से एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर पाते हैं. सो इस तरह से इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स वर्क करते हैं. अब सेकंड
आता है हमारे पास पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दो प्लांट है यहाँ पे, एक है जो डिपेंडेंट है, करेक्ट, और एक है जिस पर डिपेंडेंट है। एक प्लांट है मतलब जो फूड बना सकता है, अब जो बना सकता है वो होता है होस्ट। क्या होता है? होस्ट। और जो उस पर डिपेंडेंट होता है वो होता है पैरासाइट, मतलब जो फूड प्रोवाइड कर रहा है वो होस्ट और जो डिपेंडेंट है वो पैरासाइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, सेप्रोट्रोप्स। अब सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? ये वो डिकेइंग फूड पे सर्वाइव करते हैं। अब डिकेइंग फूड पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड मैटर। सबसे पहले ये क्या करते हैं, किसी भी डेड मैटर से मैंने आपको बताया था ब्रेड के बारे में, ब्रेड को हमने ऐसे ही रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद वो डेड हो गया, तो वहां पे वो जाके क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। और जब वहां पे डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं तो जूस कन्वर्ट कर देता है मैटर को सॉल्यूशन में। अब वो जो मैटर है जिसके ऊपर, अगर हम एग्जांपल ब्रेड को ले रहे हैं, सो उस पे जब उन्होंने डाइजेस्टिव जूस को किया तो वो अब उस मैटर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं और उस सॉल्यूशन से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से सेप्रोट्रोप सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, सो लास्ट हमारे पास है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, दो प्लांट्स इकट्ठे रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर न्यूट्रिएंट्स। सो दो प्लांट्स एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में लिया है एल्गा एंड फंगस। अब एल्गा और फंगस क्या करता है, एल्गा में क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल है तो ये फूड बना सकता है, सो ये प्रोवाइड करता है फूड फंगस को एंड फंगस इन रिटर्न क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, ऐसा भी होता है अगर एक ट्री के जो रूट्स हैं वहाँ पे जो फंगस है, अब ये क्या करता है, उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फंगस क्या कर रहा है, रूट्स की हेल्प से वाटर और जो भी मिनरल्स वगैरह है वो ट्री तक पहुँचा रहा है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गा और फंगस का, उसको बोलते हैं हम लाइकंस। क्या बोलते हैं? यस, लाइकंस। और अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकती है कि पैरासिटिक प्लांट्स और सिम्बायोटिक ये भी सेम है, ये भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे एल्गा एंड फंगस दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, बट पैरासिटिक में सिर्फ जो पैरासाइट है वो होस्ट पे डिपेंड है, होस्ट पैरासाइट पे डिपेंड नहीं है। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट पैरासिटिक प्लांट में सिर्फ एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड है। ओके, सो चारों हैं हमारे पास अदर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहाँ होंगे, जिन लीफ में या प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है, तो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो इनमें से किसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड होते हैं। नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट। यू होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।